कालका की वादियों में एक खूबसूरत एहसास, पहाड़ों के घुमावदार रास्ते, टॉय ट्रेन का सफर, कहीं सुरंगों के बीच, कहीं खुले आसमान में, सुकून देने वाला सफर, कालका टू शिमला। ट्रेन में सफर करना वैसे तो कोई खास बात नहीं, लेकिन जब पहाड़ों का नजारा हो और आपकी ट्रेन इतनी कम गति पर चल रही हो कि आप चलती ट्रेन से उतर जाएं और जब चाहे फिर चलती ट्रेन पर चढ़ जाएं, तो ट्रेन का ये सफर कुछ खास हो जाता है। लेकिन ऐसा सफर करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सफर आपको हिंदुस्तान में ही मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालका टू शिमला ट्रेन के सफर की। इस सफर को करना जितना दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प इस ट्रेन के इतिहास को जानना है। कैसे पहाड़ों पर पहुंची ट्रेन, कैसे बना कई किलोमीटर लंबा ट्रैक, कैसे बनी सुरंगें, ये सब कहानियां और उनसे जुड़ी जानकारियां सच में बेहद ही दिलचस्प हैं। तो चलिए, इंडिया की खोज में आज हम आपको लिए चलते हैं कालका से शिमला के सफर पर, वो भी ट्रेन से। ब्रिटिश शासन में शिमला गर्मियों में अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी, लिहाजा अंग्रेजों ने शिमला तक रेल ट्रैक पहुंचाने का फैसला किया। हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा में इस रेल ट्रैक को बनाने का प्लान बनाया गया। पहले ये रेल ट्रैक कालका से किन्नौर तक पहुंचाया जाना था, लेकिन बाद में इसे शिमला लाकर पूरा किया गया। कालका शिमला रेलवे ट्रैक का निर्माण 1898 में शुरू हुआ। निर्माण के लिए 86,78,500 रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन काम पूरा होते होते बजट दोगुना हो गया। ट्रैक को 9 नवंबर 1903 को वायसराय लॉर्ड कर्जन से हरी झंडी दिखाई। कालका शिमला रेल का सफर 110 सालों के बाद भी अपने पूरे यौवन पर है। कालका से शिमला के बीच पूरा ट्रैक 96 किलोमीटर लंबा है। इस सफर के दौरान ट्रेन 102 छोटी बड़ी सुरंगों से होकर गुजरती है। सौ से ज्यादा सुरंगों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर किलोमीटर पर एक से ज्यादा सुरंग मौजूद है। 300 से भी ज्यादा ऐसे पुल हैं जिनसे होकर ट्रेन कालका से शिमला तक का सफर पूरा करती है। इस ट्रैक पर 919 घुमावदार रास्ते हैं, जिनमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 47 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है। कालका शिमला रूट पर 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 5 घंटे का समय लग जाता है।
यानी कुल मिलाकर कहें तो ट्रेन की औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम होती है। शिवालिक की पहाड़ियों के घुमावदार रास्ते से गुजरते हुए एक सुखद एहसास की अनुभूति होती है। देश की सबसे मशहूर हिल स्टेशन शिमला को जोड़ती कालका शिमला रेल दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को एक शांत और खुशनुमा एहसास कराती है। पहाड़ों में घूमती ट्रेन में ऐसा लगता है मानो आप जन्नत की सैर कर रहे हों। शायद इसलिए कालका शिमला रेल सैलानियों की खास पसंद है। शिमला जाने वाले सैलानी बस के बजाय इस खिलौना ट्रेन यानी कि टॉय ट्रेन से शिमला जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सफर हालांकि लगभग 6 घंटे में पूरा होता है, लेकिन हरे भरे पहाड़ों से गुजरते हुए थकावट का एहसास बिल्कुल नहीं होता। शिमला की हसीन वादियों में टॉय ट्रेन का ये सफर सच में दिलचस्प होता है। कहां से शुरू होता है ये सफर, किन किन पहाड़ों से गुजरती है ये ट्रेन, चलिए आपको इसकी जानकारी भी दिए चलते हैं। कालका रेलवे स्टेशन, ये रेलवे ट्रैक टूरिस्ट के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। सफर की शुरुआत हरियाणा के कालका शहर से होती है। ये स्टेशन चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर है। आपको बता दें, कालका ब्रॉडगेज का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन के ब्रॉडगेज प्लेटफॉर्म से ही कालका शिमला छोटी लाइन का प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है। शिमला रेलवे स्टेशन कुछ दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से मिलता जुलता लगता है। दोनों के एक तरफ ऊंचा शहर तो दूसरी तरफ गहरी घाटी। कालका शिमला रेल को आमतौर पर लोग KSR कहते हैं। सर्दी हो या गर्मी का मौसम, टॉय ट्रेन हमेशा लोगों से गुलजार रहती है। इसकी खूबसूरती और बनावट को लेकर यूनेस्को ने इसे साल 2006 में विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। शिमला रेलवे स्टेशन बेहद खूबसूरत और साफ सुथरा है। ये स्टेशन अपने आप में रेलवे के म्यूजियम जैसा दिखाई देता है। कालका शिमला रेल के बारे में यहाँ पर काफी जानकारी चित्रों के जरिए दी गई है। शिमला रेलवे स्टेशन से शहर के दिल यानी मॉल रोड की दूरी महज 1 किलोमीटर की है। पर्यटक इस जगह पर टहलते हुए भी पहुँच सकते हैं। दुनिया भर में पहचान रखने वाला कालका शिमला रेल ट्रैक का जिक्र बाबा बलखू के बिना अधूरा है। कहते हैं, अंग्रेज इंजीनियर बरोग एक जगह सुरंग निकालते समय नाकाम साबित हुए। सुरंग के दोनों छोर नहीं मिले और नाराज अंग्रेज सरकार ने उन पर 1 रुपए जुर्माना लगा दिया। असफलता और जुर्माने से खुद को अपमानित महसूस कर बरोग ने इस ट्रैक पर कूदकर खुदकुशी कर ली। बाद में चीफ इंजीनियर HS हैरिंगटन ने सुरंग बनाने की जिम्मेदारी ली। बड़ोग नाम के इंजीनियर साहब थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे, क्योंकि पहली बार टनल बनाने में वो सफल नहीं हुए थे, तो इसलिए वो काफी इससे निराश हुए थे और ये कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। चायल के झाझा गांव के रहने वाले फकीर बाबा बलखू के बारे में अंग्रेज हुकूमत ने काफी सुन रखा था, लिहाजा उनकी मदद लेने पर विचार हुआ। कहते हैं, बाबा बलखू के पास एक छड़ी थी जिसके सहारे वो पहाड़ और चट्टानों को ठोक ठोक कर उस जगह को बताते थे जहां से सुरंग निकल सकती थी। हैरत की बात तो ये थी कि बाबा बलखू के सारे अनुमान 100% सच हुए। सुरंग के दोनों छोर मिल गए। बाद में सुरंग का नाम कर्नल बरोग के नाम पर रखा गया। इसे सुरंग नंबर 33 भी कहा जाता है और इसी के साथ ही रेलवे के इतिहास में अमर हो गया बाबा बलखू का नाम।
शिमला गजट में दर्ज है अंग्रेज हुकूमत के बाबा बलखू को पगड़ी और मेडल के साथ सम्मानित किया गया। इस प्रोजेक्ट में ये कहा जाता है कि बड़ौक के पास जो टनल बन रही थी, उसको टनल में जब पहला प्रयास किया गया तो उसके दोनों एंड्स मिल नहीं पाए थे, तो उसमें जो एक लोकल बाबा भालको थे, उन्होंने कुछ अपनी उनके पास विशेष कुछ ज्ञान रहा था, जिससे उन्होंने बताया कि इसका ये अलाइनमेंट फॉलो करें तो ये टनल बन जाएगी। शिमला में बाबा बलखू रेल म्यूजियम भी मौजूद है। यहाँ कालका शिमला रेल लाइन से संबंधित पुराने चित्र और बाबा बलखू की प्रतिमा स्थापित की गई है। जिस रेल लाइन को बिछाने में धुरंधर ब्रिटिश इंजीनियरों के पसीने छूट गए, उसे एक मस्त मौला फकीर ने अपनी छड़ी के सहारे पूरा कर दिया। कालका शिमला रेल ट्रैक के बीच बड़ौक सुरंग वही सुरंग है जिसमें ट्रैक बिछाने में बाबा बलखू ने मदद की थी। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बलखू के पास अलौकिक शक्तियां थी। हिमाचल के सोलन के झाझा गांव में बड़े ही फकीरी अंदाज से रहते थे बाबा बलखू। आज भी उनका बनाया घर इस गांव में मौजूद है और उनकी पांचवी पीढ़ी इस घर में रह रही है। कुल मिलाकर एक ही तस्वीर है जो बाबा बलखू की सारी कहानी को बयां करती है। बाबा बलखू के इस योगदान के लिए शिमला में पुराने बस स्टैंड के पास बाबा बलखू रेल संग्रहालय भी बनाया गया है। पर्यटक बाबा बलखू के इस घर को देखना कभी नहीं भूलते। इलाके के पुराने लोग बताते हैं कि अपने अंतिम समय में बाबा बलखू वृंदावन चले गए थे और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। मशहूर पर्यटन स्थल चायल में बाबा बलखू की प्रतिमा स्थापित की गई और यहां उनकी याद में मेला भी लगता है।